दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग बहुत सारे क्लासेस पढ़ चुके हैं और उसमें चार्ज से लेकर कूलॉम्स लॉ, प्रॉपर्टीज, उनकी लिमिटेशंस, एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, ग्राफ, वैल्यूज, सुपरपोजिशन, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सारा मैं डिस्कस कर चुका हूं फोर्सेस में। और यहां तक कि 20 क्वेश्चन बेसिक लेवल से लेके, जिसमें ठीक ठाक सोचना था बेसिक लेवल में भी, और हाईएस्ट लेवल तक मैं आपको क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दे चुका हूं, जिसमें आप रोज आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत हो चुकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग काफी करीब से समझ भी चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किस तरीके से दुनिया में जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं किस तरीके से अपना प्रभाव, अपना इफेक्ट सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज क्रिएट करते हैं जो उसके अंदर में आने पे वो फोर्स लगाने लगती है, उसे ही हम लोग फील्ड कहते हैं। चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, सेपरेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो वीक फील्ड हो, स्ट्रांग फील्ड हो, लेकिन होता यही है जो बातचीत में अभी आ रही है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लाइन टाइप का, जिसका डिटेल हम लोग पढ़ लिए हैं और उसके उसका सुपरपोजिशन भी पढ़ लिए हैं, और ये बात यहां तक पहुंचे हैं कि जब बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब तो ये होता है कि इंडिपेंडेंटली अपना अपना प्रभाव दिखाना कहीं पे भी। यहां पे कोई कहेगा कितना फील्ड है यहां पर, ये कोई ना कहे कि इस चार्ज का कितना फील्ड है, केवल कोई कहे कितना फील्ड है तो अपने आप ऑब्वियस होता है कि वो नेट फील्ड ही होगा। तो ये अपने अपना अपना इंडिविजुअल फील्ड जितना लगा सकते हैं वो लगाते हैं और उनका नेट लेते हैं, इसे ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। एक ये बात हुई जो हम लोग बात कर चुके हैं। और किस तरीके से डिफाइन है कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज पर किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पाना हो तो पॉजिटिव चार्ज पर वहां पे रखने पर जिधर वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करता है उधर ही फील्ड मानते हैं, वो डायरेक्शन होता है और उसकी वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है एफ बाई क्यू। ये बात हो चुकी है। निगेटिव चार्ज से नहीं डिफाइन है ये, बस कन्वेंशन है। और कन्वेंशन में भी यदि क्वेश्चन ये उठता है जो बात कर चुका हूं कि निगेटिव क्यों नहीं लिया गया, तो निगेटिव ले लिया गया होता तो पॉजिटिव के लिए बात होती कि पॉजिटिव क्यों नहीं लिया गया। तो एक पॉजिटिव थॉट शायद ये रीजन होता है, कहीं पे भी पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव थॉट, राइट हैंड, उन चीजों के लिए आता है जो एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दे, मतलब बोलने में भी सही लगे, निगेटिव बोलने में उतना अच्छा नहीं होता। तो ये भी एक पॉइंट है। एनीवे, सो अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच देते हैं ताकि हम लोग आगे से कहीं पे इससे रिलेटेड कोई बात होगी तो हम लोग उसको उसको डील कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन सम सिचुएशन केसेस, आप लिख सकते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैं खींच रहा हूं अभी फिलहाल प्लस क्यू माइनस क्यू सेम मैग्नीट्यूड का। सो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज हम लोग का यही टॉपिक है और हम लोग खींचने की कोशिश करते हैं प्लस क्यू, एक प्लस क्यू चार्ज हो और एक माइनस क्यू चार्ज हो और सेम मैग्नीट्यूड के हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचना है। तो नोटिस करने वाला पॉइंट है कि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस चार्ज खींचना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस चार्ज खींचना, ये नहीं कह रहा हूं।
मेकर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्पेस में खींचना है और लिमिटेड दूरी पर ही हैं, ये बहुत इंफाइनाइट दूरी पर नहीं है कि इंडिपेंडेंट अपना बिहेवियर शो करेंगे। इसका मतलब हर जगह हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि आखिर नेट फील्ड, क्योंकि नेट का ही खींचना होगा, तो देखना पड़ेगा कि कैसे उनका वो लाइन कैसे गुजर रही है, कैसा रिजल्टेंट है। तो एक तो नोटिस करने वाला पॉइंट जो पिछले क्लास में हम देख चुके हैं, प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, यहीं से निकलती हैं, और माइनस पे हमेशा टर्मिनेट होती हैं। ये हुआ, यह वायलेट कभी नहीं करेगा। मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं ताकि मिला के हम लोग खींच पाए। दूसरा एक बड़ा पॉइंट है, जब अकेले होता है ये तो रेडियली निकलती है और रेडियली ही चली जाती है। याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली ही निकलती हैं और रेडियली ही चली जाती हैं। ये तब होता है जब केवल अकेले होता है, और यहां पे केवल अकेले होता है, ये सराउंडिंग में नहीं होता, तो रेडियली आती है, केवल कन्वर्ज करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे आके टर्मिनेट करती है। लेकिन याद रखिए कि जब अकेले पॉइंट चार्ज होते हैं तब ऐसा होता है। अच्छा, कुछ और भी बातें जान लेते हैं उसके बाद खींचते हैं। किसी भी पॉइंट चार्ज के, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, डायरेक्शन तो आपको मालूम है कि रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड। तो सराउंडिंग में कितने भी चार्ज क्यों ना हो जाएं, बड़ा पॉइंट, सराउंडिंग में कितने भी पॉइंट चार्ज क्यों ना हो जाएं, और दूर के नाम पर आप नेट ले लीजिए, लेकिन इन द विसिनिटी ऑफ पॉइंट चार्ज, वेरी क्लोज टू द पॉइंट चार्ज, वेरी नियर टू द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के करीब में, किसी भी पॉइंट चार्ज के, पॉइंट चार्ज के करीब में फील्ड हमेशा रेडियल ही होता है, चाहे निकले चाहे आए, पर रेडियल ही होता है। फर्क नहीं पड़ता, नेट बता रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता कि और भी चार्जेस हैं कि नहीं। हाँ, दूर, यहां पे फर्क पड़ता है, यहां पे फर्क पड़ता है, यहां पर फर्क पड़ता है, यहां पर फर्क पड़ता है, पर करीब में फर्क नहीं पड़ता। रीजन है, किसी भी पॉइंट चार्ज के करीब में उसी का अपना फील्ड करीब में इनफाइनाइट होता है। कैसे इनफाइनाइट होता है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको याद होगा, मैं कहा पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यदि आर जीरो करेंगे, किसी पॉइंट चार्ज के करीब में जाएंगे, आर जीरो करेंगे, तो वैल्यू क्या होने लगेगा, इनफाइनाइट। तो अपना, अपने करीब में केवल इसी की बात मानी जाती है, किसी भी पॉइंट चार्ज के करीब में उसका इतना ज्यादा प्रभाव होता है, इनफाइनेटली लार्ज इफेक्ट होता है, कि दूसरे का कोई प्रभाव का कोई मतलब नहीं होता, मतलब रिजल्टेंट लेने का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, कहीं और रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, एक ये पॉइंट है, और ये बात यहीं पे नहीं लागू होता है, दुनिया के किसी भी जो सोर्स है, जहां से शुरू होता है, यहां तक कि सोशल सामाजिक स्तर पे भी देखेंगे इसी तरह की बात होती है। जो मैं अक्सर एग्जाम्पल लेता हूं कि सुने होंगे कि कुत्ते भी अपने गली में शेर होते हैं, या आपने कहावत सुनी होगी, और ये भी सुने होंगे कि जब कहीं लड़ाई बढ़ाई होती है तो वो जो कमजोर होता है वो जरूर ये बात कह के जाता है, गाली देते हुए भी, कि मेरे इलाके में आना, इसका मतलब उसके इलाके में वो स्ट्रांग है। आप ये भी सुन देखे होंगे कि जो डकैती या जो कुछ मिसहैपनिंग होती है, जो कुछ अटैक होता है कुछ किसी पे, वो हमेशा आउटसाइड होता है, घर में थोड़ा मुश्किल होता है। घर में यदि हुआ है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट में भी आता है, कि घर में मुश्किल होता है, यदि घर में कुछ हुआ है तो निश्चित है घर वाले इन्वॉल्व होते होंगे, जिनका भी अपना फील्ड, अपना क्षेत्र, अपना परिचय का बहुत बहुत चीजों को अच्छे से जानते होंगे। नहीं, कोई बाहरी आके, चाहे उसके रिश्तेदार जो लगातार आते होंगे, इसीलिए सब उसका पार्ट होता है, बाहरी कोई अनजान व्यक्ति घर में अटैक नहीं करता, वो
जासूसी करता है और बाहर करता है। रीजन है कि घर में वो एक एक जर्रे जर्रे से वाकिफ होता है, बहुत स्ट्रांग होता है वो। हो सकता है लाइट चली जाए, हो सकता है कुछ हो जाए, कोई कहीं भागे, इधर उधर ब्लॉक हो जाए, कोई रास्ता कहीं बंद कर दे, कहां पता नहीं कहां से घुस जाए, कहां से भाग जाएगा। सो अपने घर में, अपने इलाके में, अपने गली में चीजें कितनी प्रभावशाली होती हैं सोशल स्केल पे भी, मतलब ये लाइफ तक के लिए। जो आप सुने होंगे लाइफ में भी ऑरा क्रिएट होता है। तो मेरा प्रभाव जितना ही कोई मेरे करीब होगा उसके ऊपर अनरोविंगली, जो एक कोई पैरामीटर नहीं है जिसको डिफाइन, कोई डिवाइस नहीं है मेजर करने वाला, आप इसको इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि टेलीपैथी टाइप का कर सकते हैं, जितना वो उतना ही इफेक्टिव होता है जितना ही कम दूरी पर रहेगा। इफेक्टिवनेस की बात, इंट्यूशन की बात कर सकते हैं आप। ये फील्ड, हर एक का अपना फील्ड होता है और ऑरा होता है जिसके, अभी इस तरह की बातें अभी साइंस में बहुत कुछ तो नहीं हुई है, लेकिन दुनिया का हर एक चीज साइंस के अंडर में आता है। वो तब तक अंडर में नहीं आता है जब तक उसकी रीच, उसमें बात, उसके हाइपोथेसिस नहीं बनी होती है। तो लोग मानते हैं साइंस नहीं है मेंटल, ये स्पिरिचुअल है, ये फलाना है, धमकाना है, लेकिन साइंस की जर्नी आप देख रहे हैं कहां से कहां तक हुई है, और इससे बाहर कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा। आज नहीं आया है तो कल आएगा। एनीवे, सो तो मैं आपसे बात ये कर रहा था ताकि मैं आपको रिलेट कर सकूं, ताकि आप चीजों को एंजॉय कर सकें, आप हमको भी उसी तरह चार्ज मान सकें और ध्यान रख सकें कि हमेशा अच्छे लोगों के करीब में रहना चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए। जो निगेटिव बात करे, गंदी बात करे, जो बेकार की बातें करे, उसका आपके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, और जितना ही करीब उसके रहेंगे उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि मैं आज बात कर रहा था। तो अपने रियल लाइफ में भी इन फिजिक्स की बातों से आप अपने जिंदगी को और खूबसूरत बना सकते हैं। नहीं तो कुछ और आइडिया ले लेते हैं, मैं अभी बातचीत किया। हाँ, तो एक तो लाइन ज्वाइनिंग वाली बात कर लेते हैं, खींचने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग खींचेंगे, ठीक है। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि यहां से तो ऑब्वियस है, देख लो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इतना स्ट्रांग फील है कि यहां से तो रेडियल ही निकलेगा, पर ये समझो यहां से तो रेडियल ही निकलेगा, और यहां पे रेडियल टर्मिनेट होगा, मस्ट है। और पहले ये भी समझने की कोशिश करो कि मैं कह क्या रहा हूं, ये समझने की कोशिश करो, बहुत जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो निकाला हूं, अकेले होता तो ऐसे ही चला जाता, ऐसे ही निकल के, और ये है तो भी निकलेगा ऐसे ही, बाद में भले ही कुछ गड़बड़ा जाए, क्योंकि करीब में बदलने वाला नहीं, इतना प्रभाव होता है, इतना स्ट्रांग, ये बदलेगा पर दूर बदलेगा, पास में इसकी औकात नहीं है कि बदल दे, चाहे इसके पास में इसकी औकात नहीं है कि बदल दे, चाहे और भी चार्ज होते तो उनकी औकात नहीं होती कि इसके करीब में इसके अपने प्रभाव को बदल दे। ये वैसे ही बिहेव करेगा अपने करीब में जैसे अकेले रहता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं। एक पॉइंट ये है जो आपको समझना है, फिजिक्स को, साइंस को ऐसे नहीं पढ़ना है कि ये बहुत लंबा खींचा रहा है और ये इसके बदले में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होते हैं। वो तो जितना मैं क्वेश्चन करवाता हूं दुनिया कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, मैं दावा कर रहा हूं आपको, और दिया भी हूं, आप देखे भी होंगे और बाद में डिस्कस करूंगा। ये भी समझने की जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं, पहले एंजॉय करते हैं, रटने पिटने वाली बात नहीं। अब मैं देखना चाहता हूं कि यहां पर क्या है, यहां पर, ठीक है। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, प्लस चार्ज का यहां पे देखिए रेडियल दूरी और अवे इधर, और माइनस चार्ज का कहीं भी फील अपनी तरफ होता है इधर, तो यहां पर जीरो नहीं होगा, इसका अवे, इसका फील्ड यहां पर अवे और इसका यहां पर फील्ड अपनी तरफ, दोनों जुड़ गया है इसलिए जीरो नहीं है, और यहां से निकला होगा और यहां पे जाके टर्मिनेट हो गया होगा। एक पॉइंट ये है, जरा यहां पे देखो। तो मेरे दिमाग में आ रहा है यदि मैं यहां पे देखने की कोशिश करूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो मेरी बात, तो मैं देखूंगा कि इसका तो अवे होगा इधर, देखो अवे,
और यहीं पर इसका भी जोड़ना होगा अपनी तरफ, तो जितना इधर होगा, दूरी देखो सेम है, देखो दूरी, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। और जब दो मैग्नीट्यूड वेक्टर के सेम होते हैं ना इधर और इधर, तो रिजल्टेंट बीचो बीच होता है। यहां पे सोचो जितना इधर होगा उतना ही इसका अपनी तरफ होगा, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो बीचो बीच होगा। इसका मतलब हर जगह सोचना, तुम अपने से सोचना, तुम्हें मिलेगा यहाँ पे ऐसे ही मिलेगा और इधर भी ऐसे ही मिलेगा। इतना जान लेने के बाद अब मैं ग्राफ लाइंस खींचने जा रहा हूं। ये देखो, यहां पे देखो कैसे, यहां पे फिल देखो लाइंस, फिल लाइन देखो, फिल लाइन देखो क्या हो रहा है, समझने की जरूरत है। ये देखो यहां पे फिल लाइन ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, और यहां पे आके वो जो निकली थी वो सब टर्मिनेट हो गई, यहां पे आके सब के सब टर्मिनेट हो गई। ये समझने की जरूरत है, ये देखो सब टर्मिनेट हो रही हैं, चार्ज बराबर है इसलिए ऐसा हो रहा है, और सब यहां से इमर्ज आउट हो रही हैं, सब ओरिजिनेट हो रही हैं। ध्यान देने की बात है, और जो यहां से निकली होगी लाइन, ये देखो जो ऐसे लाइन निकली होगी, ये इन्फाइनाइट मुड़ने वाली नहीं, इन्फाइनाइट तो जाएगी और फिर यहां से आएगी। ये समझना है, ये जो लाइन ऐसे जा रही है वो जाएगी और पता नहीं, अब आप कहेंगे कि ये पता नहीं कहां से। अच्छा हाँ, ये भले ही मैं एक प्लेन में बनाया हूं, लेकिन देखो यहां पे लाइन सा फील पूरे 3D स्पेस में है, यहां से भी ऐसे है, 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 और पीछे भी ऐसा ही है। मतलब ऐसे यदि हम लोग वायर बना के उसको नचा दें ऐसे, समझ में आ रहा, नचा दें ऐसे, तो कैसा शेप बनेगा, हर जगह लाइन ही लाइन नजर आएगी, ऐसे 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 ऐसे। तो ये समझने की कोशिश करें कि बाहर भी है, हम लोग बस दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि 3D की बातें 2D में नहीं दिखाई जा सकती। तो अब ये नहीं समझ रहे कहां से मुड़ के आएगी, कितनी अजीब सी बात है कि जाएगी लाइन और ये आएगी लाइन, लेकिन कहां से मुड़ेगी ये दुनिया कोई भी व्यक्ति नहीं बता पाएगा। बस जो मन करेगा जिधर से उधर से मुड़ के आएगी, चाहे इधर से मुड़ के आ जाए, चाहे ऊपर से मुड़ के आ जाए, चाहे नीचे से मुड़ के। ये वाली लाइन ऊपर वाली तो ऊपर से मुड़ के आएगी, ये तय है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाली नीचे से मुड़ के आ जाएगी और नीचे वाली नीचे से, लेकिन इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके मन के ऊपर है, मतलब फील्ड लाइंस का भी अपना मन होता है, क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही है कि आखिर आना तो है ही, तो कैसे आएगी। एनीवे, सो इनफाइनाइट तक जाएगी और लौट के आएगी, और बाकी सब तो आप देख ही रहे होंगे कैसे ये हो रहा है। तो किस तरीके से थोड़ा और यदि आइडिया इसका लिया जाए, तो ये कहा जाता है कि देखिए प्लस चार्ज से, एक और इसमें नोटिस कर सकते हैं कि प्लस चार्ज से, प्लस चार्ज से जो रेडियली निकलना था वो निकली थी है लाइन, लेकिन इसको जाना चाहिए था अकेले होता तो ऐसे, लेकिन फटाक से माइनस अपनी तरफ खींच लिया, लपेट लिया इसको। ये देखो ये लाइन इधर जाना चाहती थी रेडियली ऐसे, लेकिन माइनस क्या कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ। देखो माइनस खींच सबको खींच लिया है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। एक और पॉइंट है, जितना ये प्लस है ना, जितना प्लस से यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, जितने प्लस से लाइन निकलती हैं, सिमेट्रिकली माइनस वैसे ही खींच लेता है, उतनी ही लाइन खींचता है। लेकिन ये ज्यादा चार्ज हो जाए और क्यों हो जाए मैग्नीट्यूड में, तो यहां से ज्यादा लाइन निकलेगी मानी जाएगी और यहां पे कम होंगी,
ये बाद में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि चीजें वो क्या रही हैं। तो काफी डिटेल में डिस्कशन हो चुका है किस तरीके से मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सोचा, किस तरीके से मिड पॉइंट पे सोचा, किनारे के बारे में कैसे मैं आपको बताया, एग्जांपल दिया, आपको सोशल स्केल पे भी समझाने की कोशिश किया कि अपनी जिंदगी में भी आप उनके साथ रहिए जो अच्छे लोग हैं। कभी भी बुरे लोगों के साथ रहते हुए कोई आज तक अच्छा नहीं किया है, ये भी आप कहीं डायरी में नोट कर लीजिएगा। हमेशा लोग भले ही इतिहासों में अच्छे लोगों की जर्नी में उन अच्छे लोगों का नाम भले ही ना आया हो, एक दो लोगों का नाम ले लिए होंगे, वो भी काफी रहे होंगे, लेकिन कई लोगों का सहयोग हमेशा से रहा है और लिखने वाले अपने बायोग्राफी में लिखते भी हैं वैसे। तो एक प्लस क्यू माइनस क्यू का हो गया। अब हम लोग खींचते हैं प्लस क्यू का। अब हम लोग खींचते हैं प्लस क्यू सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। प्लस क्यू का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचते हैं। जितनी बातें मैं आपको बता चुका हूं वो लाइंस ऑफ फील्ड खींचने का अपना एक तरीका है, और वो है तरीका तो फिर है, चाहे इनके मैग्नीट्यूड बदल दीजिए, साइन बदल दीजिए, दो नहीं तीन नहीं चार नहीं हजार ले लीजिए, चाहे कैसा भी अरेंजमेंट कुछ भी कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। एक अपना पैटर्न होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, होती वही बात है जो एक जगह हो चुकी होती है। तो इसका भी एक अपना अपना एक वे होता है चीजों को सीखने का, इसका भी ख्याल रखिएगा। एनीवे तो चलिए फिर करते हैं, यदि बात है तो पहले तो ये जान लीजिए कि इतना प्रभावशाली है किनारे में, इफेक्टिव है, इफेक्टिवनेस इसकी हाई इतनी है कि रेडियल ही बात करेंगे, और यहां पे भी प्लस है तो रेडियल, क्योंकि आपको पता है कि प्लस से तो निकलेगा ही। यदि मैं इसको एक अरब क्यू ले लू ना प्लस, और इसको छोटा सा एक प्रोटॉन ले लू तो भी यहां पर टर्मिनेट नहीं हो सकता, निकलेगा ही। प्लस 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 से तो निकलेगा ही निकलेगा। चलिए ये भी एक आइडिया है, नया एक बात हुई, और एक लाइन ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं। एक ये पॉइंट है, एक आपको पता है कि हम लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बात करनी होती है ना, जो इस तरह की बातें होती हैं खासकर तब। जरा देखिए तो यदि मैं यहां पे देखूं तो प्लस का आपको पता है कि प्लस से फील्ड अवे होता है ना, ऐसे यहां से निकलता है तो अवे होता है फील्ड, और माइनस अपनी तरफ दिखा, अपनी तरफ एरो किया रहता है वहां पर ना। तो यहां पे देखिए ये प्लस क्यू का फील्ड यहां पे अवे है, और ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू का इसका भी फील्ड देखो यहां पे लाइन ज्वाइनिंग रेडियल रेडियल अवे। तो ये देखो इसका अवे और इसका अवे दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे, डायरेक्शन में उल्टा होंगे, नेट फील्ड जीरो। पहला पॉइंट गोला बना दिया ताकि ये फील्ड फ्री रीजन टाइप का एक पॉइंट, फील्ड फ्री पॉइंट है नॉट रीजन, यहां पे फील्ड नहीं है। एक ये पॉइंट है जो आपको सीखना है। अच्छा कुछ और बातें कर लेते हैं, यहां पे सोचते हैं कि क्या होगा यहां पर, तो देख लेते हैं। देखो तो जरा इसका फील्ड देखो तो नेट देखेंगे तभी खींच पाएंगे। प्लस क्यू का फील्ड यहां पे अवे रेडियली अवे, और इसका प्लस है तो इसका भी रेडियली अवे ऐसे। अब बताओ दूरी सेम है कि नहीं, और मैग्नीट्यूड भी चार्ज का सेम है, तो जो इसका फील्ड इधर होगा और जो इसका फील्ड इधर होगा पूरी सिमेट्री है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जब मैग्नीट्यूड दो वेक्टर का सेम होता है तो रिजल्टेंट बीचों बीच आता है। तो यहां भी देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो बीचों बीच आएगा, यहां भी देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो बीचों बीच आएगा, और यहां भी देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो बीचों बीच आएगा। ये समझना है, ये बहुत जरूरी है।
काफी ज्यादा आइडिया लग गया। तो यदि आइडिया लगे कि यहाँ पे हर पॉइंट पे यहाँ पे इधर ही फील्ड होगा, एक पॉइंट ये है कि भाई इधर फील्ड होगा तो लो बना दिया, और ये भी आपको पता है कि इधर ही फील्ड होगा तो ये भी बना दिया, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये भी एक अच्छा पॉइंट समझने का है। एक और पॉइंट, यहां से कितना कितने मैग्नीट्यूड का फील्ड निकला होगा याद है, तो चलिए फिर से याद दिला देता हूं। किसी भी पॉइंट चार्ज से जो फील्ड का मैग्नीट्यूड निकलता है वो इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड का होता है, बात हो चुकी है, और जैसे दूर होता है तो कम होता है उसका अपना प्रभाव, और यहां पे जाते जाते क्या हो जाएगा, जीरो, यहां पे इनफाइनाइट निकलेगा और जीरो। अच्छा, इधर इधर इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड का निकलेगा और चला जाएगा, और इधर प्लस से निकलता ही है इसलिए इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड का यहां पर निकला, कम होते होते इनफाइनाइट में जाके जीरो हो गया होगा। ये मैं डिविजन इसलिए किया हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं, बता सकूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं करती हैं, आपको भी मालूम है, बात हो चुकी है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। तो यहां से सब रेडियल निकलेंगे, ये भी हम लोग को आइडिया है, पर कट भी नहीं करना है। तो देखोगे ना जिस तरीके से यहां पर कैसा फील होगा, देखो तो यहां पर देखो मैं कैसे सोच रहा हूं, जरा ध्यान सुनना, यहां पर फील ऐसे होगा, लेकिन केवल इसी का तो देखना नहीं होता है, इसका भी देखना होता है, यहां पर फील ऐसे होगा, तो नेट मिला के इसका इधर और इसका इधर कुछ इधर होगा, क्या ये समझ में आया? जब ये आइडियल लग गया ना तो देखो रेडियल, ये देखो कैसे मैं रेडियल निकाल रहा हूं इसमें से, ये ध्यान दे रहे होगे किस तरीके से रेडियल मैं इसमें से निकाल रहा हूं, इसको भी नोटिस करने वाला पॉइंट है, ये देखो। अब क्यों मोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि कट नहीं करा सकते, कभी भी लाइन्स ऑफ फील्ड कट नहीं कर सकती, क्योंकि दो डायरेक्शन वहां पे हो जाएगा, कभी भी लाइन्स ऑफ फील्ड कट नहीं कर सकती, कभी भी लाइन्स ऑफ फील्ड कट नहीं कर सकती। ये वाला बनाने में कई लोग गलती करते हैं, ये वाला बनाने में कई लोग गलती करते हैं, ये वाला जो रीजन है ना, आपको ऐसा फील्ड लाइंस बनाना होता है ताकि हर जगह पूरी स्पेस में आइडिया लग जाए कि फील्ड लाइंस कैसा होना चाहिए। यदि आपको यहां पे आइडिया नहीं लग रहा है तो मैं बता रहा हूं, यहां से निकालिए और यहां पे ऐसे बनाइए, यहां नहीं लग रहा है, ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मेरे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा खींचते हैं लाइन जिसमें आइडिया नहीं लगता है, तो वो सही नहीं है। तो आप देखिए कि अब इसको अलग अलग नाम पे देखा जाए कुछ और चीज, तो ध्यान से ये देखो किस तरीके से प्लस प्लस एक दूसरे के लिए क्या करता है। ये प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली होती ऐसे, तो ऐसे अकेले होता तो चली गई होती, प्लस को प्लस रिपेल करके उधर ही मोड़ देता है, ये कहता है कि जितने भी लाइन निकलेंगे हम धक्का मार के उधर ही कर देंगे, और इससे जितनी लाइन निकलेगी धक्का मार के इधर ही कर देंगे। पर एक और नोटिस करने वाला पॉइंट है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो लाइंस हैं ये केवल इसकी अपनी लाइन है, ये अपनी लाइन नहीं है, दोनों का मिला के है, ये जहां पे भी देख रहे हो इस बाउंड्री से इधर इसका है, इस बाउंड्री से उधर उसका है, यदि ऐसा लग रहा है तो बस लग ही रहा है, नहीं ऐसा, क्योंकि कहीं पे भी दोनों का मिला के नेट होता है, देखने में भले ही ऐसा लग रहा हो लेकिन कहीं पे भी दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक ये पॉइंट है जो आपको समझना है। हाँ, इमर्जिंग आउट ये अलग केस है, ये है कि एक दूसरे को क्या करते हैं सब, इसमें से निकली हुई रिपेल, हाँ जाओ उधर ही रहो, इधर नहीं आने दूंगा, जो इधर निकलो ऐसे उधर जाओ, निकलो ऐसे उधर जाओ, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक ये पॉइंट है। दूसरा, मैं माइनस क्यू का नहीं बना रहा हूं, माइनस क्यू तुम लोग अपने से बना लो, पूरा फोटो ही बनाओ, ऐसे ही बनाओ, बस इसको क्या कर देना, इसको टर्मिनेट करा देना यहां भी और यहां भी टर्मिनेट करा देना, इसका मतलब जो एरो दिख रहा है तुम्हें, एरो इसको बस उल्टा कर लेना, यहां भी माइनस पे टर्मिनेट करवा देना और यहां भी माइनस पे टर्मिनेट करवा देना, और पूरा फोटो लाइंस यही रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, आप घर पे ट्राई करिएगा, अगले क्लास में मैं आपको
बाकी सारे क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, देखते हैं कि आप इन चीजों का लाइन ऑफ फील खींच पाते हैं कि नहीं। तो जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ईच ऑफ द केसेस, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। चलिए पहला केस मैं आपको देता हूं, +Q +4Q। दूसरा केस देता हूं आपको मैं, +Q -4Q। तीसरा देता हूं मैं आपको, Q Q Q। आपको मैं चौथा दे देता हूं, Q -Q Q। आपको पांचवा दे देता हूं मैं, Q Q Q। ये प्लस प्लस है, ये भी प्लस प्लस है और ये भी प्लस प्लस है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है AAA। और मैं आपको ये छठा दे देता हूं, +Q 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 +Q, ए और ए। वीडियो को पॉज करिए और मैं एक आध दो और दे देता हूं ताकि आप बनाइएगा। वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिए और हमसे आप कुछ और भी ले लीजिए, सातवां ले लीजिए। -Q +Q +Q और आठवां ले लीजिए,